हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल व्लॉग्स बाय दुबा। सबसे पहले तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआओं में अपनी याद रखूँगी। और उम्मीद करती हूँ इस रमज़ान में आप सबकी हर दुआ जल्दी जल्दी कबूल हो जाए और ये रमज़ान ऐसा रहे कि आपकी कोई भी दुआ अधूरी ना रहे। तो मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने किचन में और देखते हैं कि आज इफ्तारी में क्या बन रहा है। सो अम्मी, आज इफ्तारी में क्या मेन्यू है? कसटिया बन रहा है आज। कौन सा कसटिया बन रहा है? चिकन का। चिकन का कसटिया बन रहा है? हाँ। तो ये नीचे रोटी रखी है क्या? रोटी है, उस पर पिज्ज़ा सॉस है। अब चीज़ डलेगा, चिकन डलेगा, अब चिकन डाल दूँ। और आज इफ्तारी का मेन्यू क्या है, मुझे ये भी बताएं। आज क्या क्या बना चुकी हैं आप और क्या क्या बनाने वाले हैं? बने हैं मीठे वाले, मीठे दही बड़े माश की दाल के, और चना चाट है। चना चाट भी है? अच्छा, ये बनी भी। अल्लाह अम्मी, आपने क्यों बना ली फिर से चना चाट? उफ अल्लाह। रशियन सैलेड है। अच्छा जी, रशियन सैलेड भी है। सो आप ये वाला चीज़ डालेंगे तो स्लाइस वाला है? इसमें स्लाइस का डालूँगी। चीज़ ब्रेड भी बनाऊँगी। ओह माय गॉड। और ये अब आप क्या ऐड कर रहे हैं? चिकन है। अच्छा, एक हमारा कसटिया बन चुका है और ये दूसरा कसटिया है, ठीक है। और इतना किचन में मैसअप हो रहा है, सो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। ऑब्वियसली जब काम हो रहा होता है तो काम जो है वो समेटने में तो टाइम लगता ही है ना, लेकिन अभी तो बना ही रहे हैं तो इस वजह से इतना मैसअप हो रहा है, तो ये इग्नोर कीजिएगा। और ये क्या रखा हुआ है? ये कैबेज काटी हुई है। क्यों? अरे सैलेड में डाली थी ना, अब फेंक दें क्या? अच्छा तो सही है, पकौड़ों में डाल देंगे। ओहो, ये तो कैबेज वाले पकौड़े कौन खाता है? इसमें आलू आलू भी डालेंगे, कैबेज डाल देंगे। अच्छा जी, और ये आप क्या ऐड कर रही हैं? आप ये चीज़ है स्लाइस वाला। और अजानें शुरू हो गई हैं असर की, सो अब हम चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और ये क्या बन रहा है अब? चिकन चीज़ सॉसेज ब्रेड। ओह माय गॉड, और ये है सॉसेज। वाओ, और ये हमारी ट्रे पे ज़्यादा फोकस नहीं कीजिएगा क्योंकि नीचे से जो है वो हल्की हल्की ख़राब हो चुकी थी, वो भी मुझसे ही हुई थी। और ये जो है ये पिज़्ज़ा सॉस है। अच्छा, और उसके ऊपर मायोनीज था। अब क्या करेंगे आप इस पे? स्प्रेड करेंगे इसको अच्छे से। सो यहाँ हमारी चिकन चीज़ ब्रेड जो है वो रेडी हो चुकी है। ऊपर आप जो देख रहे हैं ये मोज़रेला चीज़ चेडर चीज़ है, और नीचे इसके अंदर सॉसेज है और चिकन है और कैप्सिकम कटिंग होके ऐड हुई हुई है। ये हमारे बर्गर थे, दही बड़े। उसके बाद जो है वो हमने बेकिंग करके जो निकाली ओवन में से, तो ये ब्रेड हमारी डन हो चुकी थी, रेडी टू ईट हो चुकी थी। और हम वेट कर रहे थे कि चलो भाई इफ्तार हो जाए तो इसको हम फिर जल्दी जल्दी से इंजॉय करके खाएँ। और ये रिज़ल्ट आया है हमारी चिकन चीज़ ब्रेड का, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यमी बनी थी। और ये हैं पकौड़े। और उसके बाद जो हैं वो हमारी जो है इफ्तार शुरू हो गई थी, और मैं कसटिया का नहीं बना सकी व्लॉग क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम हो गया था, हम लेट हो गए थे कि इसी वजह से कि गरम गरम खा सकें इंजॉय करके, तो कसटिया का नहीं बन सका था क्योंकि मैं खाने में लग गई थी, ये सीन हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और फिर जो है मैंने बनाई सबके लिए चाय, और ये वाली चाय जो है सबको घर में पसंद है। इवन कोई गेस्ट भी आता है तो मेरी बहुत तारीफ़ें मेरे रिलेटिव्स करते हैं कि मैं चाय बहुत ज़्यादा अच्छी बनाती हूँ। सो आप लोग भी मेरी रेसिपी से चाय बनाएं, आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा, आप लोगों के घर वाले भी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे आप लोगों के लिए, इतनी अच्छी चाय बनेगी है। सबसे पहले तो आप लोगों ने लेनी है इलायची, उसको अच्छी तरह कूटना है, इतनी अच्छी तरह कूटना है जितना लोग आपके दिल जलाते हैं ना बुरी बातें कह के, वैसी कूटना है आपने इसको। और उसके बाद जिस तरह ये सही हो चुकी थी, अच्छी तरह जो है वो
पीस ली थी, उसके बाद मैंने यहाँ पानी रखा और चीनी ऐड की। चीनी के बाद ये पत्ती हमने खूब भर के डालनी है, कंजूसी नहीं करनी पत्ती डालने में। तो हमने 2 टेबलस्पून भर भर के हमने पत्ती डाली इसके अंदर, और उसके बाद जो है हमने चाय को पकने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। और वो फिर जब अच्छी तरह कुक हो जाएगी ना, तो फिर हमने इलायची डालनी है इसके अंदर, और फिर मिल्क ऐड किया, और आप देख सकते हैं चाय कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है और ऐसी ही रहनी चाहिए। और ये देख सकते हैं चाय की ये लुक आई है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, और चैनल को तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करना ही करना है। और यहाँ फिर उसके बाद काफ़ी देर बाद जो रात को 10 बज गए थे, ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आराम से मैंने यहाँ बनाया स्ट्रॉबेरी शेक। और स्ट्रॉबेरी के वो क्यूब्स थे जो स्ट्रॉबेरी की प्यूरी बना के फ्रीज़र में रख दिए थे। उसके बाद जो है यहाँ मिल्क ऐड किया, शुगर ऐड की, और जो है स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी, और फिर इसको हमने अच्छी तरह इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से जो है मिक्स कर लेना है। और उसके बाद यहाँ जो है ग्लास रेडी हो चुका है। सो दुआओं में मुझे याद रखेगा। अगर आप लोगों को मेरी अम्मी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।